सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, किडनी डोनेट करना बहुत बड़ी चीज़ लगती है, लेकिन ब्लड डोनेशन जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, उसके लिए भी अलग अलग तरीके के क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ते हैं। तो आज मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि किडनी डोनेट करने के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ेंगे, क्या चीज़ हो अगर तभी वो किडनी डोनेट करने के एलिजिबल हैं। ऑर्गेन डोनेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, एक बहुत ही अच्छा काम है, और आजकल सब जगह हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्गेन डोनेशन को प्रमोट किया जा रहा है कि आप ऑर्गेन डोनेशन करें, जस्ट लाइक ब्लड डोनेशन। किडनी डोनेशन में कुछ कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि कौन लोग हैं जो किडनी डोनेट कर सकते हैं। एक तो जो गाइडलाइन है भारत सरकार की, ह्यूमन ऑर्गेन ट्रांसप्लांट एक्ट, उसके हिसाब से है कि किडनी डोनेट कौन कर सकते हैं। एक तो रिलेटेड रिलेशन में जो भी हैं वो कर सकते हैं, या नियर रिलेटेड है। नियर रिलेटेड मतलब कि आपके दादा हो गए, जैसे पोता हो गया, ये सब। और क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई भी आदमी जो 18 साल से 65 ईयर या 60 ईयर्स का है वो किडनी डोनेट कर सकता है। और क्या किडनी डोनेट करने के लिए होना चाहिए कि आपका किडनी अच्छा होना चाहिए, बेसिकली किडनी ठीक होना चाहिए। उसके लिए हम लोग बहुत सारे टेस्ट करा कर देखते हैं, जब ठीक होता है तभी करते हैं। दूसरा, जिनको डायबिटीज़ है वो किडनी डोनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका खुद किडनी रिस्क पर है तो वो डोनेट नहीं कर सकते हैं। जिनको हाइपरटेंशन है, तो जिन्हें हाइपरटेंशन है अगर वो एक या दो दवा पर कंट्रोल है तब वो डोनेट कर सकते हैं। और बाकी सब हम लोग टारगेट ऑर्गन डैमेज जैसे होता है, बहुत सारे पैरामीटर देखते हैं, कुछ और प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर वेल कंट्रोल है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो डोनेट कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ वाले डोनेट नहीं कर सकते हैं, 18 साल के ऊपर कोई भी डोनेट कर सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, जनरली फैमिली मेंबर्स ही किडनी डोनेट कर सकते हैं, स्ट्रेंजर्स की किडनी नहीं ली जाती है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि अगर फैमिली मेंबर में किडनी देखनी होती है तो पहले किसकी देखते हैं, और स्ट्रेंजर्स किसी अजनबी की किडनी लेने की नौबत कब आती है। फैमिली मेंबर्स की ही हम लोग प्रेफर करते हैं। फैमिली मेंबर से बहुत सारे कारण हैं, जैसे आपका भाई है, बहन है, तो ऑलमोस्ट आपका HLA मैच बहुत अच्छा होगा। इसके कारण किडनी की लॉन्गेविटी, मतलब कि किडनी डोनेशन और किडनी ट्रांसप्लांट ही तक नहीं है, वो किडनी बॉडी में ज़्यादा दिन तक रहे और सही काम करे। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा आपका जेनेटिक रिलेशन हो उतना अच्छा है, जैसे मदर फादर, या फिर मैंने तो देखा है एक जगह कि बेटी डोनेट कर रही है अपने फादर को या अपनी मदर को, या बेटा डोनेट कर रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जितने ज़्यादा क्लोज रिलेशन होगा उतना ही अच्छा रहेगा, उतना जेनेटिक मैच होगा जी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं ये समझना चाहूँगी, लोगों के मन में किडनी डोनेशन को लेकर कई सारे भ्रम भी रहते हैं, और इस चीज़ पर पहले भी बात की जा चुकी है, लेकिन आज फिर एक बार मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि क्या अगर कोई किडनी डोनेट करता है तो उसके हेल्थ पर कोई एडवर्स इफेक्ट, कोई उल्टा असर पड़ता है। जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक किडनी दे रहा है मतलब आप एक दूसरे को जीवन दान दे रहे हैं, जीवन दान दे रहे हैं अपने लाइफ को रिस्क में रखकर। तो ऑब्वियसली किसी भी किडनी डोनर को जानने का हक है कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, क्या मुझे भी किडनी की बीमारी हो जाएगी, या मैं हेल्दी रह सकूंगा कि नहीं रह सकूंगा। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम लोग किसी डोनर को लेते हैं, लिविंग डोनर को, तो उसका कंप्लीट टेस्ट कराते हैं। कंप्लीट टेस्ट मतलब हर एक चीज़, हार्ट से लेकर लीवर, किडनी, सब चीज़, हर एक चीज़, ब्रेन, सब चीज़, साइकेट्रिक इवेल्युएशन भी होता है। तो हम लोग जो डोनर लेते हैं वो एकदम से परफेक्ट इंसान होता है, मतलब मेडिकली, तभी हम लोग लेते हैं। डायबिटीज़ नहीं होगा उसको, बीपी भी नहीं होगा, होगा भी तो गुड कंट्रोल होगा। तो हम लोग आइडियल कैंडिडेट लेते हैं। तो एक स्टडी आई थी बहुत पहले, करीब 15-20 साल पहले, उसमें देखा गया था कि लिविंग डोनर लिव लॉन्गर, जो आदमी किडनी डोनेट कर रहे हैं वो जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा दिन जी रहे हैं। बाद में ये थ्योरी फिर बाद में वो हुई कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि जो हम लोग जो कैंडिडेट लेते हैं वो परफेक्ट होता है। तो एक तरह से अगर आप किडनी डोनेट करने जा रहे हैं तो आपका कंप्लीट मेडिकल चेकअप भी हो जाता है, किसी तरह की बीमारी होगी तो पता चल जाएगा, तो फिर हम लोग किडनी डोन उस समय उनका किडनी नहीं लेंगे, तो आप परफेक्ट होंगे। तो आपका मोटा मोटी और नॉर्मल पर्सन टाइप का ही, जैसे आपके एज को देखा जाए, जैसे कोई 35 साल का है तो 35 साल के बाद वाला दूसरे 35 साल को देखेंगे तो हम लोग एज में उनका क्या कहते हैं, ईयर्स ऑफ लिविंग में कोई अंतर नहीं पड़ेगा जी।